जी हां, हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्यवाही चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा इस वक्त भी जारी है। लगातार अपडेट्स, लगातार सदन की कार्यवाही आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने एक मरतबा फिर तेवर दिखाए और अब की बार विधानसभा के अंदर तेवर दिखाए, अपनी सरकार को निशाने पर लिया। देवेंद्र बबली ने कहा कि मैं इस्तीफा दूंगा, सदन में बोलने नहीं देने पर नाराजगी भी जताई। सदन में बोलना चाहते थे देवेंद्र बबली, जिनका नाम दिया गया वही बोलेंगे। स्पीकर की तरफ से, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से ये बात कही गई, यानी पार्टी की तरफ से जिन जिन विधायकों के नाम दिए गए हैं सिर्फ वो बोल सकते हैं, ये भी कहा गया। और इस दौरान देवेंद्र बबली ने ये तक कहा कि मैं इस्तीफा भी दे दूंगा। जी हां, बीबी बत्रा जब बोल रहे थे उस दौरान देवेंद्र बबली ने अपना गुस्सा जाहिर किया और अपनी सरकार को निशाने पर लिया। देवेंद्र बबली जेजेपी के विधायक है, जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, और ऐसे में देवेंद्र बबली जब सदन की कार्यवाही चल रही है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, उस दौरान अपनी सरकार पर आक्रामक अंदाज में बोलते नजर आए। जबकि बीबी बत्रा जो सदन की कार्यवाही के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सदन को 100 साल पीछे ले गए और उस दौरान हुए आंदोलन के बारे में जिक्र किया, अमेरिका तक वो पहुंचे और वहां पर जो आंदोलन हुए, जो कानून पास किए गए थे, उन्हें कैसे वापस लिया वहां की सरकारों ने, यही हरियाणा में हरियाणा की सरकार को और केंद्र की सरकार को बीबी बत्रा बताते नजर आए। और मोदी जी और मनोहर लाल जी ने, चाहे वो केंद्रीय स्तर की बात है, चाहे वो प्रदेश की बात है, बहुत गंभीरता से किसानों का भला कैसे हो, क्या क्या वो कदम उठाए जाए, एक तरह से एक बीड़ा उठाया हुआ है जो कि एक बहुत कठिन भी है। बहुत सारी सरकारें आज तक बनी जिन्होंने इस विषय पर अलग अलग समय में बहुत सारे नारे भी दिए, मगर हकीकत में अगर हम पूरे देश की राजनीति की भी बात करें तो बहुत कम ऐसे नेता हैं जिन्होंने ठोस कार्य किसानों के हक में किए हैं। आज की मौजूदा परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा ही एक ठोस कदम इन कृषि कानूनों को लाकर किया है। स्पीकर सर, कुछ सवाल जरूर उठते हैं जो मैं यहां रखना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में जिस बात का जिक्र करती है वो पूरे तरीके से गलत कैसे हो सकता है? कानून काले क्या इस वजह से है कि ये नरेंद्र मोदी जी की कलम से बने हैं? और अगर कुछ कमियां रह भी जाएं तो सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, जिसके लिए सरकार हमेशा से तैयार है, क्यों उस तरीके से सार्थक चर्चा नहीं हो रही है? एक उदाहरण, सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति अपना मकान बनाता है, नया मकान बनाता है अपने खून पसीने की कमाई से, नए मकान के अंदर भी कई बार कमियां होती हैं, कोई टाइल टूट गई, फर्श टूट गया, पानी लीक हो गया, टंकी लीक हो गई, बिजली का कनेक्शन खराब हो गया, तो क्या करते हैं? मकान को ठीक कराते हैं, दुरुस्त कराते हैं, या पूरे मकान को जेसीबी मशीन लाके पूरे को तोड़ दिया जाता है? यह बात बिल्कुल समझ से बाहर है। प्लीज। और स्पीकर सर, यह विषय कहीं ना कहीं बैठे बैठे नहीं, प्लीज, कमेंट्री, किसान वर्ग के बेहतरी के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए है। तो मैं इतना भी जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे में विपक्ष की भूमिका कैसी रहनी चाहिए? क्या विपक्ष की भूमिका यह नहीं रहनी चाहिए कि मंथन करके, विचार विमर्श करके, चर्चा करके कैसे उस कानून को और बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे उसमें और सुधार लाए जा सकते हैं? या विपक्ष की यह जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे समय में ऐसे संवेदनशील विषय पर राजनीति की जाए? स्पीकर सर, एक मिनट जरा रविंद्र जी, गोगी जी रनिंग कमेंट्री नहीं, बिल्कुल भी मैं रनिंग कमेंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आप हर चीज के ऊपर कमेंट करते हैं, ये आप जब आपकी बारी आए, आपकी बारी आएगी तो आप बोलिए जो मर्जी। नहीं, ये उनका बोलने का हक है, आपको आपको समय मिलेगा तो आप बोलिए। देखिए बात यह है कि आपके लीडर ने, आपके जो लीडर हैं, गोगी जी आप तो गांधी हो, आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए कम से कम।
गोंडी हो आप, आपको इतना तो लिहाज करना चाहिए। ओगी जी मेरी आपसे बेनती है कि मैं बार बार कहना ठीक नहीं है, मैं रनिंग कमेंट्री में बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। आपका टर्म आएगा, आप खड़े होकर के, आपके नेता ने आपको टाइम दिया होगा तो जरूर मिलेगा, अगर आपके नेता ने टाइम नहीं दिया तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका बिल्कुल दूसरे स्पीकर सर, ये सवाल केवल मेरे नहीं है, ये सवाल आने वाले समय में प्रदेश की जनता माननीय हमारे जो विपक्ष के साथी हैं इनसे करेगी। मैं आज इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कथन का जिक्र यहां जरूर करना चाहूंगा, जो उन्होंने सन 1959 में एक बात कही थी कि हमारी जनता भोली है, समझाया जाए तो समझ जाती है, पर झूठी बात या झूठे नारे अगर दिए जाएं तो बहक भी जाती है। कृषि कानून से संबंधित जो ये विषय है ये वास्तव में बहुत संवेदनशील है, राजनीति करने के बहुत मौके बहुत जगह आते रहेंगे। स्पीकर सर, मैं खुद एक किसान परिवार से ताल्लुक रखता हूं, मेरे पिताजी चौधरी देवी सिंह जी सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी के बहुत करीबी साथियों में से रहे हैं, मैं बहुत आदर करता हूं। डॉक्टर रघुवीर कादियान जी बैठे हैं, चौधरी रणजीत सिंह जी बैठे हैं, बहुत नजदीकी के संबंध इनके रहे हैं परिवार के साथ। मैंने अपने परिवार को कृषि में अग्रणी भूमिका निभाते हुए देखा, मुझे फख्र है। 1960 के दशक में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट चली थी तो मेरे पिताजी के बहुत प्रयास रहे थे उस समय उस बात को आगे बढ़ाने के लिए। 1970 के दशक से हमारे परिवार में डेयरी फार्मिंग, और 1990 के दशक में, 80 के दशक में पोल्ट्री और फिशरीज। स्पीकर साहब, मैंने हर खेत का काम खुद अपने हाथों से किया हुआ है, बहुत सख्त ट्रेनिंग हमारे परिवार में हमारी रही है। मुझे आज याद आया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कि कैसे किसानों का शोषण होता है, मैं इन चीजों का अनुभव कर चुका हूं। 1990 में जब मंडल कमीशन का विरोध हुआ था तो उस समय हरियाणा प्रदेश के बहुत से रास्ते पूरे तरीके से बंद थे, बहुत बड़ा आंदोलन वो भी चला था। मगर एक कहावत है कि दो और दो चार रोटी, भूखे को तो रोटी दिखती है। मेरा पोल्ट्री फार्म था और मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे पोल्ट्री फार्म में पूरा बर्ड तैयार था और जीटी रोड खुली थी, बाकी पूरा हरियाणा बंद था। स्पीकर सर, मैं 6 रात लगातार जागा हुआ हूं उस समय में, ये मेरा रिकॉर्ड है, 6 रात 7 दिन मैंने जाग के अपने पूरे बर्ड वहां पर, क्योंकि वहां पर दिल्ली की मंडी में किस तरीके से शोषण होता था, और मुझे वो समय मिला, मैंने उसमें मुनाफा कमाया। मैं इन सारी चीजों में से निकला हुआ हूं और आज सत्ता पक्ष का एक विधायक होने के नाते नहीं, बल्कि पहले किसान होने के नाते मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इस सदन में कहता हूं कि तीनों कृषि कानून वास्तव में किसान के हक में है और ये कृषि कानून आगे बढ़ने चाहिए और इसके ऊपर सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। और एक बात और भी कहना चाहूंगा स्पीकर सर, कि आज और इससे पहले भी कई बार इस तरह की बात भी सदन में आती है, कौन असली किसान है, कौन नकली किसान है। सदन में बैठा हुआ हर सम्मानित सदस्य किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसान जगत से, कृषि जगत से जुड़ा हुआ है। और मैं ये भी समझता हूं कि अपने अपने विचार, अपना अपना पक्ष हो सकता है, किसी को किसी से अपनी ईमानदारी, अपना किसान होना, उसका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। स्पीकर सर, एक बात माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बहुत सम्मानित सदस्य हैं, मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। उन्होंने कैमला गांव की रैली का जिक्र किया, क्योंकि कैमला गांव मेरे विधानसभा का एक गांव है और उस रैली का आयोजक में मैं खुद था। जिक्र आया कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां पर नहीं उतर पाया, तो आज मैं इस सदन के अंदर यह बात कहना चाहूंगा कि यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की दूरदृष्टि है, यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक अच्छी सोच है, उनकी संवेदनशीलता है कि यह निर्णय लिया गया, वरना रैली तो कामयाब थी। कंवरपाल जी उस रैली में थे, संदीप जी उस रैली में थे, 10,000 लोग उस रैली के अंदर मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए थे और 2 घंटे तक वो रैली चली है। और जब उसमें कुछ लोगों ने
व्यवधान पैदा करने के लिए कुछ लोग वहां पर आए जो कि बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, मगर यह भी सच है, रिकॉर्ड के अंदर है, मेरे पास वीडियो भी है कि वहां पर सभी किसान नहीं पहुंचे थे। किसान के रूप में वहां पर विपक्षी दलों के कुछ कार्यकर्ता भी थे और यह डर था उस समय कि यहां पर कोई ऐसे हालात ना बन जाए कि खून खराबा हो जाए। इसलिए स्पीकर सर, मैं अंत में एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि वास्तव में यह वातावरण बनाया जा रहा है, सदन में भी बड़ी शान के साथ इस बात को रखा गया कि सत्ता पक्ष का कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री किसी गांव में नहीं जा पा रहा है, कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा है। ये माहौल कभी कभी बनते हैं, ये माहौल कभी कभी बनाए जाते हैं, ये ज्यादा लंबे नहीं चलते। इतना जरूर कहूंगा कि इस वातावरण को विपक्षी दल अपनी कोई उपलब्धि ना समझे और इस आधार पर भविष्य में कोई लाभ उनको राजनीतिक होगा उसका आकलन भी आज ना करे, क्योंकि पब्लिक और ये समाज बहुत बारीकी से हर बात का आकलन करती है। और मैं अंत में जो धरनों के ऊपर बैठे हुए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, मगर यह भी बात साथ साथ कहूंगा कि यह जो वातावरण बना है इसमें जो विपक्ष की भूमिका है उसको कभी भी समाज माफ नहीं करेगा। मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ दोबारा अपनी पुरजोर मांग उठाते हुए सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वो इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपना वोट करें और हरियाणा सही तरीके से दोबारा तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़े, ये सुनिश्चित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।